नमस्कार, NBC 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक। देखिए, आज 14 मार्च है और आज ही के दिन नियोजित शिक्षकों के सक्षमता परीक्षा को देखते हुए कहीं ना कहीं पटना हाई कोर्ट में सुनवाई हो रही है। बता दें आपको कि जिस तरीके से सुनवाई हो रही है इसको लेकर बड़ी जानकारी आपको हम देने जा रहे हैं। बता दें आपको कि जिस तरीके से सुनवाई हो रही है उसको देखते हुए कहीं ना कहीं जो पक्ष है नियोजित शिक्षकों का, वो नियोजित शिक्षकों के वकील रख रहे हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं लगातार नियोजित शिक्षकों का पक्ष रखा जा रहा है। बताइए चले आपको कि जिस तरीके से नियोजित शिक्षकों ने सक्षमता परीक्षा दी इसको देखते हुए लगातार विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। और यह साफ नियोजित शिक्षकों का कहना है कि जिस तरीके से सक्षमता परीक्षा ली जा रही है वो उनके हित में नहीं है और कहीं ना कहीं इसको देखते हुए परीक्षा को रद्द करने की मांग कर रहे थे। ऐसे में नियोजित शिक्षकों का यह साफ कहना था कि ऐच्छिक स्थानांतरण और साथ ही तमाम अनेक विसंगतियों को दूर किया जाए। तो वहीं सिलेबस जिस तरीके से पूछा गया था इसको लेकर भी काफ़ी ज़्यादा नियोजित शिक्षक आक्रोशित थे। बता दें आपको कि जिस तरीके से सुनवाई हुई है इसको देखते हुए जो नियोजित शिक्षकों के वकील हैं वो कहीं ना कहीं नियोजित शिक्षकों का पक्ष रखे हैं। और ऐसे में अभी ब्रेक हो गया है, ब्रेक के बाद सिलसिला लगातार चलेगा और उसके बाद देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो नियोजित शिक्षकों के अगेंस्ट में वकील खड़े हैं, जो यानी कि सरकार के तरफ से वकील खड़े हैं, इसको देखते वो कहीं ना कहीं सुनवाई में देखा जाए तो सरकार का पक्ष रखेंगे और उसके बाद जज फैसला लेंगे। जज फैसला क्या लेते हैं ये बड़ा सवाल है। नियोजित शिक्षकों में आक्रोश है। जो मुद्दा है नियोजित शिक्षकों का बिहार में काफी ज्यादा चल रहा है, लाखों लाख शिक्षक विरोध कर रहे हैं और इसको देखते हुए सुनवाई जारी है। लंच का टाइम है और इसके बाद क्या होगा ये बड़ा सवाल है। तमाम नियोजित शिक्षक यह सवाल पूछ रहे हैं कि क्या होगा, आखिरकार क्या होने वाला है, सुनवाई किसके हित में आएगी, फिलहाल क्या होगा ये बड़ा सवाल है। तो वहीं देखा जाए तो कहीं ना कहीं पटना हाई कोर्ट में सुनवाई चल रही है और ऐसे में ब्रेक हो गया है। ब्रेक के बाद जो भी पता चलेगा वो आपके पास पहुंचाएंगे, लेकिन फिलहाल सक्षमता परीक्षा खत्म करने की मांग कर नियोजित शिक्षक, बिना किसी शर्त राजकर्मी का दर्जा, ऐच्छिक स्थानांतरण और साथ ही अनेक मुद्दों पर कहीं ना कहीं लगातार सरकार से नियोजित शिक्षक घिरे हुए हैं। तो वहीं मामला पटना हाई कोर्ट में चल रहा है। देखिए, आज 14 मार्च है और ऐसे में कहीं ना कहीं आज सुनवाई हो रही है, कल ही सुनवाई होनी थी, इसको लेकर देखते हुए कहीं ना कहीं डेट आज का टाल दिया गया। ऐसे में डेट जिस तरीके से आज का टाला गया इसको लेकर सुनवाई हो रही है। तो जो कुछ अपडेट होगा आपके पास पहुंचाएंगे। नियोजित शिक्षकों के हित में फैसला आता है या फिर नीतीश सरकार के हित में फैसला आता है ये बड़ा सवाल है। जज किसके हित में फैसला लेंगे ये आपके पास हम बताएंगे, पहुंचाएंगे, पहुंचाने का काम करेंगे। लेकिन यह सिलसिला लगातार जारी है नियोजित शिक्षकों को लेकर। उहापोह की स्थिति बनी हुई है, किसके हित में फैसला आएगा, विरोध लगातार जारी है। लाखों लाख नियोजित शिक्षकों ने परीक्षा दी, लाखों लाख इसका अभी भी विरोध कर रहे हैं और जिस तरीके से विरोध कर रहे हैं यह विरोध पूरे बिहार में देखने को मिल रहा है। हमारे अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल पर जाकर अपना कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। अगर वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक फॉलो कर लें, अपनी तमाम प्रतिक्रिया कहीं ना कहीं देना बिल्कुल ना भूलें। हमारे चैनल को ऐसे ही देखते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।